हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। और जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो करेंगे जो एसएससी का हिंदी जूनियर ट्रांसलेटर का यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आ चुका है उसके बारे में बात करेंगे और पूरी वीडियो को डिटेल में देखेंगे। इस नोटिफिकेशन को डिटेल में हम यहाँ पर देखने वाले हैं, तो थोड़ी वीडियो लंबी रहने वाली है क्योंकि ना इसमें बहुत क्वेरीज आती है कि कौन सा बच्चा इसे फिल कर सकता है और कौन नहीं फिल कर सकता। तो ये सारी डिटेल हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर सारी आराम से देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो फिलहाल अभी यहाँ शुरू से हम इसे चेक करते हैं। जो इसमें यहाँ पर आप देखेंगे 22/10 यानी 22 अक्टूबर से 19 नवंबर 2018 तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा और आपकी पेमेंट की जो डेट है वो 21 नवंबर तक रहेगी। 21 नवंबर के बाद आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ पर एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम जो होगा यहाँ पर इसका टायर 1 का जो होगा वो होगा 12 जनवरी 2019 में, और जो डेट ऑफ पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है वो बाद में ये आपको बता देंगे जब भी एग्ज़ाम होगा। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर 7 कैटेगरीज में यहाँ पर पोस्ट के नाम आप देख लेंगे, 7 कैटेगरीज में है और इन सब का पे स्केल आप यहाँ देखेंगे 35,400 से आपका यहाँ पर स्टार्ट है। ये लेवल 6 का, ये 7 का और ये लेवल 8 का, यहाँ पर ये सारा पे ग्रेड आपको दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या काम की बात हमारे लिए निकल कर आती है। वैकेंसी इन्होंने यहाँ पर अभी शो नहीं करी है कि इसमें कितनी वैकेंसी है। एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट में यहाँ पर इन्होंने इस फॉर्म को फिल करने की जो दी हुई है वो दी है 18 से 30 साल, और SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD कैंडिडेट को यहाँ पर 10 साल, अगर PWD कैंडिडेट है और OBC है साथ में तो उसे 13 साल, और PWD कैंडिडेट है SC ST है तो उसे 15 साल की यहाँ पर छूट मिलेगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो आगे इसमें देखते हैं और हमारे लिए क्या काम की चीज़ है। आप सबको पता है SSC का नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा है तो स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो आपकी यहाँ से निकल के आती है ए से डी पोस्ट है, जो यानी जो आपकी स्टार्टिंग की 4 पोस्ट है उसमें आपका चाहिए मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए आपकी, और साथ में एक सब्जेक्ट आपका इंग्लिश होना चाहिए। तो आप ध्यान रखेंगे इसका, आप यहाँ पे देखेंगे वाइस वर्सा भी चल सकता है। अगर आपकी मास्टर डिग्री इंग्लिश में है तो हिंदी सब्जेक्ट भी आपके पास एक कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपके पास वो सब्जेक्ट, आप सपोज़ कीजिए मास्टर डिग्री में नहीं है, तो अगर वो सब्जेक्ट आपके पास डिग्री में है तो भी यहाँ पर आपका, अगर उसी मीडियम से आपकी डिग्री है तो भी आप एलिजिबल होंगे। सपोज़ आपने इंग्लिश मीडियम से आपकी मास्टर डिग्री है तो भी आप एलिजिबल होंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जो अभी कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो हिंदी इंग्लिश का ही आ रहा है। अब दूसरी बात देखेंगे एंड, वो ये जो जितना भी ऊपर का टर्म था ये आपका और में था, या तो ये या फिर ये नहीं, फिर उन सब के बाद यहाँ पर ये देखिए आप एंड लगा दिया। इसके बाद ये जो होगा ये उन सब के लिए एलिजिबल होगा। रिकॉग्नाइज डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, या फिर इसका वाइस वर्सा, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में जो आपने सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में आपने जॉब की हुई है। तो यहाँ पर ये जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वैकेंसी आती है। उसके बाद कर लेते हैं पोस्ट कोड ई की, जो आपकी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की यहाँ पर जॉब निकल के आती है। सेम एज ए यहाँ पर मास्टर डिग्री इन्होंने मांगी है और एज अ सब्जेक्ट दिए हुए हैं जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था, और उसके बाद यहाँ पर भी एंड में अटैच कर दिया है इन्होंने कि आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसमें 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल में या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस में, ठीक है, या फिर आपका PSU में। अगर यहाँ पर बात कर ले हम वैकेंसी, ये जो पोस्ट F है तो ये जूनियर ट्रांसलेटर की यहाँ वैकेंसी है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए,
सब्जेक्ट इन हिंदी में या फिर इंग्लिश में, और साथ में हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपका कंपलसरी रहेगा। और दूसरी बात यहाँ पे निकल के आती है, या फिर आपने बैचुलर डिग्री की हो हिंदी में और इंग्लिश एज आ एक सब्जेक्ट हो आपके पास, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जी पोस्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जी पोस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है, इसे आप सबको ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें जो मेन निकल के आएगा वो ये निकल के आने वाला है कि इसमें ज़्यादातर नॉर्मल बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर बैचलर डिग्री है इन हिंदी विद इंग्लिश, एक सब्जेक्ट आपके पास रहेगा कंपलसरी, और या फिर आपने मास्टर डिग्री की हुई हो किसी भी सब्जेक्ट से, या फिर आपने बीएड किया हो। ध्यान देना दोस्तों इस बात पे, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में ज़्यादातर बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और सारी पोस्टों पे तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो यहाँ पर देख लेंगे और के बाद, या फिर आपके पास ये होना चाहिए पॉइंट वन या फिर पॉइंट टू। पॉइंट टू में क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सबके लिए एलिजिबल, सब इसमें एलिजिबल हो गए हैं, सिंपल ग्रेजुएशन वाले, ठीक है। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी विद इंग्लिश एज अ वन ए सब्जेक्ट, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ पर दो, इन्होंने अब देखेंगे आप 2 साल का एक्सपीरियंस है, ये जो 2 साल का एक्सपीरियंस है ये डिजायबल है, या हो आपके पास या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो चलिए आगे इसमें देखते हैं हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई या तो आप किसी भी, आप कोई वैकेंसी फिल करने वाली साइट चलाते हैं उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप एसएससी की sscnic.in पर जाएंगे, वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं फ़ीस की बात करते हैं। यहाँ पर जनरल और ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनकी 100 रुपये फ़ीस जाएगी, और वुमेन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है जो, उन सब की यहाँ पर फीस माफ़ रहेगी, यानी फ्री रहने वाली है। तो चलिए और आगे इसमें इम्पोर्टेंट बात देख लेते हैं। यहाँ आपके ये सारे सेंटर दिए हुए हैं इन्होंने, एग्ज़ाम ऑफ मोड देख लेते हैं। जो आपका यहाँ पर पेपर वन होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, इसमें जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के 100-100 क्वेश्चन आएंगे, 100-100 मार्क्स के, और 2 घंटे का एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद पेपर टू हमारा डिस्क्रिप्टिव रहता है, जो कि आपको ट्रांसलेशन करना पड़ता है और ऐसे लिखने पड़ते हैं किसी एक लैंग्वेज में, वो 200 मार्क्स का रहता है और 2 घंटे का रहता है। तो इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम टायर वन निकलने के बाद होता है, तभी। पिछली बार इसकी जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 141 के आसपास गई थी आई थिंक, तो आप ये चेक कर लेंगे जो भी इसकी कट ऑफ थी। और नेगेटिव देखेंगे आप यहाँ पर पेपर वन में 1/4 की नेगेटिव रहने वाली है, और सिलेबस आप देख सकते हैं जो सिलेबस रहने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन दे रखा है। तो फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो बात थी वो इस वीडियो में हमने सारी कवर कर ली है। बाकी जो भी इसमें अभी हम नीचे तक देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो आपको बताते हैं, या फिर ऐसा करेंगे एक वीडियो और बना लेंगे इसी के ऊपर, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। तो चलिए यही कहते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।